घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। फाइन देन, तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। अरे हो गई ना खुश। ओवी, ओवी तू क्या कर रही है? मेरी बात सुन। मुझे ना मन मेरी बात सुने, घर छोड़कर मत जा बेटा तू। मैं तेरे आजी हूँ ना, मैं सब संभालूंगी बेटा। मुझे जाने दे, तू जानती है मैं यहाँ सिर्फ अर्जुन की वजह से आई थी, पर अब जब वो ही मेरी लाइफ से दूर जा रहा है तो मैं यहाँ आके क्या करूंगी? और ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है, मैं उसके उसके आसपास भी नहीं रहना चाहती। अजी, मैं कनाडा भी थी, वहां मेरा अर्जुन सिर्फ मेरा था। तुझे पता है उसकी लाइफ में सिर्फ दो चीजें थी, एक उसका काम और एक मैं। पर यार, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी आजी, मुझे जाने दे। नहीं बेटा, तू अभी अभी क्या बोली थी, ये घर मेरा है बोली थी ना, तो इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं ये सब मैं तय करूंगी, और दूसरा कोई नहीं। तू मेरी बात मानेगी ना बेटा, मैं मेरी पोती के लिए या अर्चना जैसी 10 औरतों को भारी पड़ूंगी। तू नहीं जाएगी मेरे बच्चे, नहीं जाएगी बच्चे ना। हाजी, तू तो मुझे अच्छी तरह से जानती है ना, मैं जानबूझकर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। लेकिन जानबूझकर बात छिपाई तो थी ना। खैर, अब ये सारी बातें कहने सुनने से क्या फायदा, बात बाहर आ चुकी है, सबको पता चल गई, मानव को भी पता चल गया, और वो अर्जुन से बहुत नाराज है। बाबा, आज डीके सर और अर्जुन मानव से मिलने उनके घर गए थे। हाँ जी, अर्जुन को मैंने ही कहा था कि वो आई से बात करे, वो आई मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी ना, इसलिए मैंने अर्जुन को कहा था कि वो आई को समझाए कि जब से अर्जुन और रोबी में आपकी सगाई हुई है तब से हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा है आजी। लेकिन उसने तो ऐसा नहीं कहा, उसने तो मानव और ओवी को साफ साफ कह दिया है कि वो ओवी से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। जी, वो ऐसा नहीं कह सकता। उसने ऐसा ही कहा है, और इस बात से मानव इतना नाराज हुआ कि उसने अर्जुन को थप्पड़ मारा। दुखी हो गई है कि लगातार रो रही है। उसे ऐसा लगता है कि तूने अर्जुन को अपने प्यार के जाल में फंसाया, वरना वो ऐसा था ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे सब कुछ क्लियर करना होगा जी, मुझे अर्जुन को फोन करना पड़ेगा। अर्जुन को जो कहना था वो कह चुका है, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तू अर्जुन से प्यार करती? आज इस मामले को उलझने से पहले मुझे क्या तू अर्जुन से प्यार करती है? हाँ, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, लेकिन आज तेरी कसम, हाय की कसम, जब मुझे अर्जुन से प्यार हुआ ना तब मुझे नहीं पता था कि अर्जुन की ओवी मैम के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, और जैसे मुझे बात पता चली ना आजी, मैं सच कहती हूँ, हम दोनों के बीच में तब से कोई रिश्ता नहीं है, और अगर मुझे ऐसा पहले पता होता तो मैं कदम कभी नहीं उठाती। आजी, वो अर्जुन से प्यार करती है तो शर्मिंदा क्यों महसूस कर रही है? अरे, वहां अर्जुन ने सबके सामने ये बात मान ली है कि वो तुझसे प्यार करता है, तो फिर तू सच्चाई से क्यों भाग रही है बेटा? तूने प्यार किया है पूर्वी, कोई गुनाह नहीं किया,
हाँ ये तो हालात है जिनकी वजह से तुम दोनों के प्यार को गलत ठहराया जा रहा है। आजी, तुझे लगता है ना कि मैंने कोई गलती नहीं की है? तो फिर प्लीज तू आई को समझाना, उसको बोलना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आजी मैं ना कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये आई की नफरत नहीं। वो जब भी मुझसे गुस्सा होती है ना, मैं नहीं रह पाती ऐसे। आजी आजी प्लीज तू उसे बोलना कि मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया उसकी पूर्वी ने। आजी अपनी हद में रहा कर, ये किचन का दरवाजा ये तेरी लक्ष्मण रेखा है, इससे पार करके दिखा, तेरा जीना हराम कर दूंगी। तू कौन होती कौन है ओवी के हर एक बात में टांग अड़ाने वाली? आई आप ही बता दीजिए कि मैं ओवी की कौन हूं? मेरी कोख से जन्म लिया है, मतलब उसके भाग्य बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछती है कि मैं ओवी की कौन हूं, मैं ओवी की कौन हूं? कैसे तू नौटंकी मत कर हा? और कान खोल कर सुन, ये घर मेरा है और मेरी पोती मेरे साथ यही रहेगी। हाँ आई, ये घर आपका ही है और हमेशा आप ही का रहेगा। और जहां तक ओवी की बात है आई, मैंने नहीं कहा कि ओवी ये घर छोड़ के जाए, बल्कि मैंने ये कहा कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। जितना ये घर मेरा है उतना ही उसका भी, बल्कि उसका कई ज्यादा है ना? इतना समझती है ना फिर भी तू? समझती हूँ, इसीलिए सब कुछ किया। देखिए मुझे पता था अगर मैं ओवी से ये कहूंगी कि तू यहाँ रुक जाए, घर छोड़कर मत जा, तो वो कभी मेरी बात नहीं मानती। लेकिन मैं ये जानती थी कि अगर आप उससे ये कहेंगी तो वो आपकी बात कभी टालेगी नहीं, और ऐसा ही हुआ और मेरा काम हो गया। मैं प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी बेटी की सगाई मेरे दोस्त जीके के बेटे अर्जुन किर्लोस्कर के साथ हो रही है। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, चले दिल क्यों ये मेरा। उसने तो मानो और ओवी को साफ साफ कह दिया है कि वो ओवी से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। उधर नहीं तेरी ओर चले। मैं ओवी से प्यार करता हूँ। तुमने ऐसा, मैंने तुम्हें क्या कहने को कहा था और तुम क्या कह के आ गए वहां पे? मैंने सिर्फ वही कहा जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। पूर्वी तुम एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम किससे प्यार करती हो तो क्या जवाब दोगी?
देखो पूर्वी, ये सच हम लोग कब तक दूसरों से छुपाते रहेंगे? और अपनों से ये सच छुपाना उन्हें धोखा देना ही तो हुआ। तो बस मैंने सबके सामने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं पूर्वी। और मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, वरना तुम यहां नहीं आती। मगर अर्जुन, अर्जुन वो भी ना, वो बहुत हर्ट है अर्जुन, उनका दिल टूटा है, और फिर अर्जुन उसके लिए मैं गलत हूँ अर्जुन। तुम गलत नहीं हो पूर्वी, अगर इस पूरी सिचुएशन में कोई गलत है तो वो मैं हूँ पूर्वी। अगर सगाई के समय में ये सब कुछ आके बता देता तो इस बात की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब सबको सच पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ओवी से नहीं। बिताओगी अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ? तुम्हारे जवाब का अब भी इंतजार कर रहा हूं मैं। ओवी मैम के साथ भी तो कितना गलत हो रहा है ना, वो तो 14 साल से तुमसे प्यार करती आई है अर्जुन, उनके प्यार के आगे तो मेरे प्यार की कोई तुलना ही नहीं है अर्जुन। पूर्वी, ये क्या कह रही हो तुम? पूर्वी, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ओवी के लिए जो मैं इतने सालों में कभी फील नहीं कर पाया, वो मैंने तुम्हारे लिए फील किया। ओवी का प्यार एक तरफा था, पूर्वी यहां मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं नहीं जानती कि मैंने ओवी को सब कुछ सच सच बता के सही किया या गलत, बस सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अच्छा लग रहा है इस बात से कम मैंने उसे धोखा नहीं दिया। और पूर्वी, ओवी को मैं बचपन से जानता हूं, मना लूंगा मैं उसे। मगर अर्जुन, आई बाबा, उनका भी तो भरोसा टूटा है ना। और पता है, पूर्वी खुद के बारे में कब सोचोगी? कभी बाबा, कभी ओवी, कभी आई, अपने बारे में कब सोचोगी? पूर्वी, सिर्फ इस एक पल के लिए सोच के देखो कि तुम क्या चाहती हो। पूर्वी, हम दोनों का प्यार हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं प्यार करता हूं तुमसे, मैं हूं तुम्हारे साथ, तो हमें दुनिया में किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। I love you, पूर्वी। अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं तुम्हारे साथ। तो बताओ, ताकि अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ? तुम्हारे जवाब का अब भी इंतजार कर रहा हूं मैं। अभी जवाब नहीं दिया तो वापस चला जाऊंगा मैं।
आपको हमें बता देना चाहिए था ना अर्जुन पूर्वी के बारे में। आप अगर पहले बता देती तो ये सब नहीं होता। तेजू, मैं सच कह रही, मुझे खुदाश पता चला। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा। जैसे ही मुझे पता चला, मैं यहां मानव को बताने ही आई थी। लेकिन यहां इतना सब कुछ हो गया था कि बाबा ऑलरेडी इतने गुस्से में थे, उन्हें क्या पता था अब यही बात क्लैरिफाई करने के लिए आई है। को हर्ट करने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो तो मैं जानती हूँ तेजू, और उनका गुस्सा जायज भी। अगर ये सब कुछ मानव मेरे साथ करते तो मैं अपने पति पर गुस्सा निकाल ले। लेकिन ओवी के बाबा पर नहीं निकाल सकते। मानव टूट गए तेजू, बेटी रोएगी तो बाप का दिल तो टूटेगा ही। अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी घाव भर जाएगा तेजू, लेकिन एक घाव अभी भी ऐसा है जो मुझे ओवी की फिक्र हो रही थी। जो जिस दौर से वो गुजर रही है उसके लिए उसने जो जीवन साथी चुना ना मेरे लिए, बिल्कुल सही नहीं। जीवन साथी वो होता है तेजू जो हमसे प्यार करे, हमारा विश्वास बनाए रखे, हमें कभी धोखा ना दे। और अर्जुन ने ओवी को धोखा दिया है। मैं जानती हूँ कि ओवी इस वक्त बहुत तकलीफ में है, उसे समझाना बहुत मुश्किल है, उसे वक्त चाहिए। लेकिन ओवी के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मैं जल्द से जल्द उसे इस चीज से बाहर निकालना हो। जानती हूँ तेजू, थैंक यू। आप प्लीज यहां से जाइए, ये सारी बातें यहां खुरेदने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी बेटी पर उंगली उठाने की, तो मैं देखती हूँ कि किसमें इतनी ताकत है जो मेरी बेटी पर उंगली उठा। गुड मॉर्निंग अर्चना। वो क्या है ना कि सुबह सुबह घर की शक्कर खत्म हो गई, तो सोचा तुमसे एक वाटी शक्कर मिलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। करें अर्चना, वो कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, मतलब मारधाड़ चिक्कम चिल्ली, वो सब क्या था? मतलब थोड़ा बहुत तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन ऐसी गलती कैसे की तुम लोगों ने? बेटी के मामले में इतनी लापरवाही कैसे की? दामाद की अच्छी खासी पूछताछ नहीं की थी क्या? पता नहीं अब ओवी की सगाई का क्या होगा। और हाँ, एक मिनट काकी, आप जानती है ना यहाँ कल रात को क्या हुआ? हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा था और हम उसे भूलने की कोशिश करें। अच्छा होगा अगर आप ये सारी बातें यहाँ आकर खुरे देना। आप अपनी शक्कर लीजिए और जाइए। अरे हाँ हाँ हाँ, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं तो बस हमदर्दी जताने आई थी। और एक बात तेरे समझ में नहीं आ रही है अर्चना, गलती चाहे लड़के से हो, लेकिन अगर रिश्ता टूटेगा तो लोग तो यही कहेंगे ना कि खोट तेरी बेटी में ही है। आप प्लीज बस कीजिए, आपको हमसे हमदर्दी है? अगर थोड़ी सी भी हमदर्दी होती ना तो इस तरह आके ऐसी बातें नहीं करती, तो मेरी बेटी का दिल नहीं दुखा। आप प्लीज यहां से जाइए, ये सारी बातें यहां खुरेदने की जरूरत नहीं, जाइए आप यहां से। हाँ, और रही बात मेरी बेटी पर उंगली उठाने की, तो मैं देखती हूँ कि किसमें इतनी ताकत है जो मेरी बेटी पर उंगली उठा, फिर मैं उसे जवाब दूंगी अच्छे से। ये हमारे घर का मामला, प्लीज इसमें दखल देने की आपको कोई जरूरत नहीं, आप जाइए यहां से। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा आज। एक मिनट ना,
अगर आपके दिल में हमारे लिए इतनी कड़वाहट है तो हमारे घर से चीनी क्यों लेके जा रही है? ऐसा तो नहीं चलेगा ना। कितनी बदतमीज बेटिया है तेरी अर्चना। मैं ही पागल थी जो पड़ोसन के नाते यहाँ चली आई। रुक जाइए, जरा ये अपनी वाटी लेती जाइए, फिर वापस आएंगी किसी बहाने से वापस करने और घर में ताक झांक करने। तेजू, ये चंपा क्यों आई थी? जरूर कोई काना फूसी करने आई होगी। अरे आजी तू चिंता मत कर, हमने उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है। शाबाश, आज तूने दिखा दिया तू सविता देशमुख की पोती है।